गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर, सॉरी गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, आपका कैमरा ऑन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। सर न्यू चैप्टर शुरू करना है ना अभी। बेटा हमने न्यू चैप्टर शुरू कर दिया था और हमने उसके अंदर बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखा था, राइट? यस सर, यस सर, इट इज राइट सर। तो यहाँ पर मैनी एग्जाम्पल्स इन ओवर चैप्टर 11। क्या बेटा, तो लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल। नोटबुक में भी किया था थोड़ा। यस सर। तो हमने ट्राई एंगल और उसके दूसरा वाला जो था वो बाकी था हमारा। तो हमने कल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इन दोनों के बारे में लर्न किया था। तो आज हम जा रहे हैं ट्राइंगल से। तो जो सिया थी, नहीं सॉरी वेनु है, वेनु रिमूव द थ्री मैचस्टिक एंड चेंज द शेप अगेन। तो उसने शेप को चेंज किया, राइट? तो उसने थ्री इक्वल मैचस्टिक ली और एक उसने शेप क्रिएट किया। तो आप सभी को पता होगा कि थ्री मैचस्टिक से ट्राइंगल ही बन सकता है, राइट? अगर थ्री मैचस्टिक का आप यूज कर रहे हो तो उसमें ट्राइंगल बनेगा, राइट? तो लेट्स सी द ट्राइंगल एंड हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पैरिमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको ये लिखना है इन योर नोटबुक। नंबर कितने हैं? 163। चलो यहाँ पर सारे मेजरमेंट आपको दिए गए हैं। कितने है ना? हाँ बेटा। सर ये हमें नोटबुक में लिखना है ना? यस बेटा। सर मैं इसमें से टेक्स्ट बुक में देख के भी लिख सकता हूँ? यस सर, यू कैन। चलो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वो आपको लिखना है बेटा। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इन द ट्राइंगल। तो सबसे पहले पैरिमीटर इज इक्वल टू पैरिमीटर is equal to AB plus BC plus CA। अब यहाँ पर उसके हमें मेजरमेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस अगेन 4 सेंटीमीटर, बिकॉज सभी का मेजरमेंट इक्वल है। तो 4 3 का 12, बिकॉज 3 टाइम है। तो हमारा आंसर होगा 12 सेंटीमीटर।
राइट डाउन. सर दिस वी हैव टू राइट. यस. Sir done. Very good. Sir done. 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 Sir, my mom is. Okay, good. सर ऐसा किस में है? कैसा? ये आपने जो ड्रॉ किया है पेज नंबर की पेज नंबर 163 मैथ की बुक में पेज नंबर 163. चलो नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट नंबर आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपको लिखना है टर्म. तो सबसे पहले कॉम्पोजिट फिगर. कॉम्पोजिट फिगर का मतलब होता है जो दो अलग अलग प्लेन फिगरों से बनी हुई फिगर होती है उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फिगर. ओके. तो सबसे पहले आपको लिखना है डेफिनेशन को इन योर नोटबुक. जहां पर आप लिख रहे हो वहीं से कंटिन्यू आगे लिखोगे. ट्राइंगल के नीचे. हाँ बेटा उसी के नीचे. ट्राइंगल के नीचे लिखना है सर. यस सर. बट मेरे ट्राइंगल के नीचे स्पेस नहीं है. तो आगे लिखो. मैं सर दूसरे पेज में लिख दूं. हाँ. My book is done. Sir, we have to write this. जो भी फिगर दो या फिर दो से ज्यादा फिगरों से बनी होती प्लेन फिगर उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फिगर. उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फिगर. So done everyone? No sir. Yes sir.
सर नाउ द ओके चलो नाउ आई एम गोइंग टू गुड डन ओके ओके बेटा सर नाउ डन सर वी हैव टू राइट दिस इन आवर नोटबुक यस सर नाउ डन ओके No, sir. Only 2 lines. Sir, now done. So now let's remove this and start the new one. So composite figure का मतलब होता है two and more than two figures जिसका combination करके एक figure बनाई जाती है. तो चलो यहाँ पर question number D जो है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा. तो notebook में ही ना Yes, brother. सर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक में भी है ना यस देखो यहाँ पर जो फिगर हमारी बनाई गई है वो दो फिगरों से बनाई गई है यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस तरह से भी है और यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन सकता है तो जो दो फिगरों को कंबाइन करके बनाया जाता है उस फिगर को हम कहते हैं कॉम्पोजिट फिगर तो ये फिगर हमारी जो है वो कॉम्पोजिट फिगर है ओके तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस सर आप बी से लिखा वहां पर सी डी लिखो तो भी चलेगा हाँ चलेगा बट सीक्वेंस प्रॉपर लिखो तो अच्छी बात है चलो पैरामीटर ऑफ फिगर मतलब हमारी जो पूरी फिगर है यहां से लेकर यहां तक उसका हमें एडिशन करना है तो हम पर साइड के हिसाब से सभी का एडिशन करेंगे तो देखो यहाँ पर हम लोग नंबर्स को डाल रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
BC is equal to 2 centimeters. CD is equal to 3 centimeters. Plus DE is equal to 2 centimeters. Plus EF is equal to 2 centimeters. And plus FA is equal to 4 centimeters. तो यहाँ पर हमारे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं. नाउ लेट्स एड द नंबर्स. तो इन सभी का हम एडिशन करेंगे नंबर्स का तो हमें आंसर मिलेगा 18 सेंटीमीटर. 18 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. वेल डन एवरीवन. So my book is done. Sir, my work is done. No, sir, my work is done. Done, sir. Okay, good. Sir, ho gaya kisi ka. Okay, done, everyone. Kisi ka remain hai? Anyone remain? No. Sir, okay, one minute. चलो कर लो. I take screenshot, sir. क्या? सर वो बोल रहे हैं कि मैं screenshot ले लेता हूँ, रुको. Okay, चलो जल्दी करो. Done, sir. चलो now the next one. हमारे पास यहाँ पर एक example है. वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल. वो भी मेरे बुक में लिखना है सर. नहीं वो लिखना नहीं, वो समझना है. चलो तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है वर्ड प्रॉब्लम. एवरी मॉर्निंग रानी गोज टू वॉक अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क. एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरह का, रेक्टेंगुलर पार्क है. अब इसके अंदर जो रानी है वो डेली वॉक करती है यहाँ से वो. नहीं बेटा अभी आपको कहीं पर लिखना नहीं है. यहाँ से रानी वॉक करना स्टार्ट करती है रेक्टेंगुलर वॉक. तो उसका जो टोटल वॉक है वो है 120 मीटर लेंथ. मतलब ये जो लेंथ है उसकी वो 120 मीटर है. 120 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है और 100 मीटर इन ब्रेथ. तो ये 100 मीटर जो है उसकी ब्रेथ है. ओके ये लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है. मैंने कल आपको डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन आपको मैंने कल करवाई थी. तो
बेटा मैंने एक बार बता दिया कि आपको नहीं लिखना है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप? जब लिखना होगा तो मैं आपको सामने से बताऊंगा, तब तक आपको समझना है। चलो, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी रेक्टेंगल की, वो हमारी लेंथ होती है, एंड शॉर्टर साइड जो होती है वो हमारी ब्रेथ होती है। तो यहाँ पर ब्रेथ है 100 एंड लेंथ है हमारी 120 मीटर। अब आपको ये पता होगा कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब 120 मीटर अगर ये लाइन है तो ये भी 120 होगी, अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगी। तो हमें सारी साइड का मेजरमेंट पता चल गया। So now the main question is that what is the total distance he covered around the park? तो उसने राउंड कितना लगाया है वो हमें फाइंड आउट करना है, उसके आसपास उसने कितना वॉक किया है। तो रेक्टेंगल की फॉर्मूला आप सभी को पता है। नेक्स्ट सी, पहले उसके नेम्स देखते हैं, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, तो ए बी, सॉरी पहले हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा है टू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो टू ब्रैकेट के अंदर लेंथ कितनी है 120 प्लस हमारी ब्रेथ कितनी है 100। तो यहां पर इन दोनों का होगा एडिशन, 120 प्लस 100 220। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, दैट मीन्स वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। अगर कोई ब्रैकेट के अंदर होता है वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर होता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 220 मतलब 440 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हैव यू क्लियर? क्लियर? चलो अब आपके पास एक आइडियल एक्टिविटी में दे रहा हूं जो आपको 3D नोटबुक के अंदर करनी है। अब आपको मैं आइडियल एक्टिविटी दे रहा हूं जो आपको आपकी 3D बुक के अंदर बनानी है, अदरवाइज आप पेपर से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आइडियल एक्टिविटी के अंदर आपको पेपर को कट करना है 3 शेप के अंदर, रेक्टेंगल, स्क्वायर और आपको इस तरह से 3 पेपर को कट करना है, प्लेन पेपर को इस तरह से सीजर से कट करना है घर पे। ओके, आफ्टर दैट आपको स्केल लेनी है और स्केल से इन सभी का मेजरमेंट लेना है। तो अगर रेक्टेंगल का मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको देखना है कि यहां से लेकर यहां तक उसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ है उसकी मान लो 8 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ। तो फिर आप उसका निकालोगे पेरीमीटर, और पेरीमीटर जो आएगा उसे आप लिखोगे अंदर। तो अगर इसका फॉर एग्जांपल पेरीमीटर 26 है तो आप उसको पेपर के अंदर लिखोगे। सर पेरीमीटर में इसको टोटल है वो, हाँ उन सभी की बॉर्डर का टोटल आएगा वो आपका अंदर रहेगा। देना सर इसी तरह से ट्राइंगल, उसी तरह से स्क्वायर, स्क्वायर का अभी हम जो है लिख रहे थे ना उस तरह से नहीं करना है ना, ये पहले नीचे लिखना है 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर का है तो आपको 16 सेंटीमीटर मिलेगा,
तो आप उसे भी इस तरह से लिख सकते हो. थereafter ट्राइंगल का अगर मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आप 9 सेंटीमीटर आप इस तरह से भी लिख सकते हो. मार्कर खाली जवाब. एंड व्हाट वी हैव टू डू. तो यहाँ पर इस तरह से आपको सेंटर के अंदर लिखना है उसका पेरीमीटर. ओके सेंटर के अंदर लिखना है पेरीमीटर. आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है. पेपर्स को कट करना है, स्केल से मेजरमेंट लेना है और उसके बाद आपको उसका पेरीमीटर अंदर लिखना है और हो सके तो इसके फोटो क्लिक करके मेरे साथ आपको शेयर करना है. ओके और वो फोटोज मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा कि जिस भी स्टूडेंट ने ये बनाया है वो मैं शेयर करूंगा. ओके अगर आप चाहो तो वीडियो बनाकर भी सर फोटो है ना भेजते थे फिर वो है ना एक्टिविटी हमने की वो स्कूल पे. हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप फोटो भेजोगे. हाँ बेटा क्या बोल रहा है सर. हमारी हाँ बोलो बेटा दूसरा कौन बोल रहा था. सॉरी ओनली सुनील. हिताश मुझे आपको परमानेंटली म्यूट करना पड़ेगा इससे अच्छा स्टॉप. दूसरों को भी तो बोलने दो. हाँ सॉरी बोलो बेटा. सर मैंने आपको ऐसे टाइम टू टाइम ही सेंड किया था पर आपने नहीं देखा है. और बेटा मेरा लेक्चर भी तो होता है ना. 24 आवर्स फ्री तो नहीं रहता. ओके सर लेक्चर भी होता ना. ओके सर तो आप फ्री लेक्चर में देख लोगे ना. हाँ देख लूंगा ना. मुझे भी एक डाउट है. बोलो सर आपने जो शेप बोला है तो मैं करना है. आपकी पहले तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है. मोबाइल के नजदीक जाकर बोलो. हाँ सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो ये आईबीएल एक्टिविटी का शेप कट करने को बोला है वो हमें नोटबुक में पेस्ट करना है. पहले आप उसे बाहर ही कर लो फिर उसको पेस्ट कर देना. पहले मुझे वीडियो बनाकर या फोटो क्लिक करके भेज देना फिर उसको नोटबुक के अंदर पेस्ट कर देना. ओके सर. सर लेकिन हम इसमें लिखे कैसे आपने जो लिखा 8 सेंटीमीटर. ये नहीं लिखना है आपको सिर्फ अंदर का लिखना है. अगर आप नोटबुक के अंदर पेस्ट करोगे उसके बाद आप लिख पाओगे. बट आपको पहले याद रखना होगा कि इसका मेजरमेंट इतना है फिर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है और पेरीमीटर को अंदर लिखना है. अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो ऐसे. तो सर वहाँ लिखे तो चलेगा. हाँ चलेगा तो ठीक है वहाँ पर लिखो. ओके और अंदर सेंटर में बड़े राइटिंग से आपका पेरीमीटर. ओके सर. सर हमारे इसके इंटरनल मार्क्स होंगे. हाँ चलो अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आपको उसका आंसर बताना है अपनी नोटबुक के अंदर बनाकर करके. ओके सर हमें नोटबुक में ये करना नहीं है ना. आपको नोटबुक में ही करना है ये वाला तो मैं करके बता रहा हूँ ना. सर जो आपने आईपीएल एक्टिविटी दी उसमें हमको है ना कट करके पिक्चर भेजने. हाँ तो सर आपने वो मैं कह दरी लिखने है ना. हाँ सर अभी लिख रहे हो हमको नोटबुक में लिखना है. कितने सर किसके इंटरनल मार्क्स एक्टिविटी. सर क्या समझाया था मैम. ये आपका क्वेश्चन है आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर.
इस तरह से जैसे कि हमने पहले किया था, आपको ए बी उसका मेजरमेंट, बी सी, सी डी, सी एफ, एफ जी, जी एस, इस तरह से आपको लिखना है, एडिशन करना है और सभी का मेजरमेंट मैंने लिखा हुआ है. ओके, राइट डाउन एवरीवन. सर, वी हैव टू राइट इन नोटबुक दिस. सर, आई विल बी गिव द आंसर ऑफ दिस. क्या बेटा? सर, 21 आंसर. सर, 24 सेंटीमीटर. आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके नहीं बताना है, प्रॉपरली क्वेश्चन को बुक के अंदर लिखना है और मुझे वीडियो ऑन करके दिखाना भी है. डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है. देखो सर, कंप्लीट. यस कहाँ पर देखो बेटा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा. सर साइड प्लीज. सर अब दिखाई दे रहे हैं. वेर इज द आंसर? मैंने आंसर मांगा. फिगर तो मुझे भी पता है कि ड्रॉ कर लिया आपने. सर साइड प्लीज. वेर इज द आंसर? ओके सर, राइट डाउन द आंसर. सर 25. रॉन्ग आंसर. सर 21 आंसर. रॉन्ग आंसर. सर 20. सर 23 आंसर. रॉन्ग आंसर. सर 18 सेंटीमीटर. सर 15 सेंटीमीटर. सर 18 सेंटीमीटर. रॉन्ग आंसर. सर 15 सेंटीमीटर. सर 27 सेंटीमीटर. 27 सेंटीमीटर राइट आंसर. देखो यहाँ पर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 2 25 एंड 25 प्लस 2 27. 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम 2 है. प्रॉपरली देखो. और ये 5 प्लस 5 10 और प्लस 7. ओके, तो ये जिसका नहीं हुआ वो होमवर्क में करेगा. ओके, लेक्चर इज ओवर राइट नाउ. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, चलो बाय एवरीवन. नेक्स्ट लेक्चर में लिख दिया है. ओके बेटा. मेजरमेंट लिखे हैं सेंटीमीटर तो कहीं पर नहीं लिखा. ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये कहाँ पर लिखा है? एग्जाम्पल के अंदर देखो. चलो नाउ बाय एवरीवन. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.